जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, बिंदास होंगे। आज भाई संडे संडे राइड पर अपन कहीं नहीं गए, बस गया था, बस एक छोटा सा गेड़ा मारने गया था। वैसे कि सवेरे जल्दी नींद खुल गई तो ज़्यादा आगे नहीं गया था, यानी राइड पर अपन ने किया वही 10 किलोमीटर तक जाके आया, फिर वापस आ गया उसके बाद। तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं एजेंसी अपनी डोमिनार की सर्विस करवाने के लिए। खैर सर्विस कराने में भी 400 किलोमीटर पड़े हैं, 400 कुछ किलोमीटर पड़े हैं, बट मैंने सोचा कि मुझे टाइम नहीं लगेगा तो इसलिए पहले करा देता हूँ सर्विस। तो इसलिए भाई निकल गए अपन सर्विस कराने के लिए, और टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, और नहीं पहुँचते इस एजेंसी जाके देखते हैं कि कितना रश है, क्या हिसाब किताब है, क्योंकि यार अभी क्या इशू आ रहा है, एक आ रहा है दिक्कत, ये बाइक जैसे अभी ना हीट हुई थी, मैं आया था तो बाइक एकदम से फैन ऑन हो गया, इन लाइटर पर खड़ा था, जब सेल्फ मारने की बारी है थोड़ा सा लंबा सेल्फ लिया बाइक ने, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाइक की चलो सर्विस करा ही देते हैं। मेरी पहले भी आदत रही है, शुरू से आदत रही है, चाहे जावा भी थी तो मैं सर्विस हमेशा पहले करा लेता था, 400-500 किलोमीटर का क्या फ़र्क पड़ता है यार, इंजन को नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा उल्टा, अगर आप पहले करा लेते हो 200-400 किलोमीटर पहले। तो वही मैं कराने जा रहा हूँ सर्विस, और मौसम भाई गंदा रखा है एकदम, वो कहते हैं ना उमस भरा सा, कोई हवा नहीं कुछ नहीं, गर्म हवा चल रही है और ऊपर से ट्रैफिक अलग है, तो पूरी गर्मी हो रखी है एकदम। अरे यार हट जा के भाई मेरे, बारिश का बता रखो सर, बट लगता नहीं मुझे होगी, और हो भी गई तो भाई देखी जाएगी, निकलेंगे नहीं और क्या एजेंसी से, क्योंकि गोप्रो का भी रिस्क है, क्योंकि गोप्रो की जो केसिंग है ना वो वाटर प्रूफ नहीं है, इसलिए जब भी बारिश होती है मुझे निकालना पड़ जाता है, पर इसका मुझे जल्दी इलाज करूँगा। तो फिलहाल चलते हैं एजेंसी, ओके बम्प बम्प बम्प। तो भाई अभी अपन चल रहे हैं पंचकुला की रोडों पर, तो सर्विस जो मैं कराता हूँ वो पंचकुला में कराता हूँ, ठीक है, कि जो एजेंसी है, क्योंकि बाइक भी मैंने वहीं से ली थी, तो सर्विस भी मैं वहीं पर ही कराता हूँ, क्योंकि वहाँ की यार मुझे डीलिंग ठीक लगी, चंडीगढ़ का मुझे इतना समझ नहीं आया, जब बाइक खरीदनी है तब समझ नहीं आया, तो भाई सर्विस की तो दूर की बात है, बाकी चलो बाकी तो कुछ पता नहीं कि इनकी सर्विस कैसी है नहीं है। तो भाई आसमान हो गया है काला, यहाँ पर बारे मौसम है कुछ और चंडीगढ़ मौसम है कुछ और, फिर ऐसी हो रहा है कि राइड पे क्यों नहीं गया मैं संडे, क्योंकि भाई पता ही है आपको जो शिमला हाईवे है वहाँ पर इस टाइम क्या हाल हो रखा है, वहाँ पर भाई इस टाइम पूरा हाईवे गायब हो रखा है, तकरीबन 30 से 50 मीटर के आसपास का जो पैच है ना वो गायब हो रखा है। तो सीन कुछ ऐसा है कि अगर चले भी जाए तो अपन आगे जा नहीं पाएंगे, बिकॉज हाईवे की कंडीशन है बुरी, तो इसलिए उन्होंने रास्ता बंद कर रखा है, तो तभी राइड पे नहीं गया, कारण मेरे यही था राइड पे ना जाने का, भाई ने सोनल पूरी पेल रखी है। राइड पे जाने का ना जाने का कारण यही था कि भाई लैंडस्लाइड हो रखी है, और कोई कारण नहीं था। तो अब मैं चला एजेंसी, एजेंसी में देखते हैं इसी कॉस्ट वगैरह पूरी बताऊंगा कि कितनी क्या कॉस्ट है सर्विस की, कितनी पड़ी है, और बाइक तकरीबन 9000 के आसपास चल गई है, 9000 कुछ होगी भाई, 9067 यानी हाँ 9100 होने वाली है, और सर्विस होनी है तकरीबन 9500 पर। ओहो पीटी पीटी बू बू, गाड़ी से बाहर निकला है, मस्त लग रहा है बड़ा। तो अभी आज कराते हैं भाई, यार थोड़ा टायरिंग होता है यार संडे को, यार एक दिन मिलता है, मेरे को लगा थोड़ा रिफ्रेशिंग सा होगा कि घूमने जाऊंगा, बट मौसम और प्लस रोड दोनों ने अपनी मरा ली, और हम रह गए यहीं पर, क्योंकि संडे को होता है यार पूरे सारे दिन के जो रूटीन है सेम चल रहे होते हैं, तो सो कर रहा हूँ कोशिश की अब रेगुलर ब्लॉगिंग करूँ, रेगुलर बेसिस पे करूँ, बट यार पता है क्या ना, कहा जाओ काम कर रहे थे ना, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है रोज़ ब्लॉग
शूट करना और एडिट करना, शूट तो चलो कर लें पर एडिट का टाइम है ना डालने का, वही पंगा है, तो वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो भाई सामने है अपनी एजेंसी, राइट साइड पे थोड़ा सा एक आधा किलोमीटर आगे, तो वहीं चलते हैं। Much later. अभी कैब में बैठा हूँ, तो सीन क्या था कि बाइक की जो सर्विस है, टाइम कितना रहा, 11 बज गए हैं, बाइक की सर्विस का टाइम लग रहा था, कह रहे थे कि शाम तक मिलेगी, तो बाइक वहाँ छोड़ दी, इश्यूज बता दिए मैंने क्या क्या इशू आ रखे, तो अभी घर की ओर निकला था, ताकि बारिश का मौसम आएगा बट धूप पूरी आ गई है, तो इशूज़ दो तीन इशूज़ थे, एक हेडलाइट का वो तो गैराज नहीं होगा, बता दिया मैंने उनको, कह रहे सर टाइम लगेगा, वेटिंग का रश बहुत था भाई संडे आज, और मेरे मुंह की बैंड बजी पड़ी है पसीने से, और दूसरी चीज़ थी कि एक उसका हैंडल का, मुझे हैंडल्स आई थिंक हल्का सा बेंड था जो लास्ट टाइम गिरी थी बाइक शायद, उस वजह से हल्का सा बेंड ना हो गया, और हेडलाइट का था उसका था, और एक था लॉक में थोड़ी सी प्ले थी, हल्का सा हिल रहा था, वो चीज़ मैंने बता दी है, बाकी शाम को बाइक मिलेगी तो शाम को बाकी ब्लॉग कवर करेंगे, शाम को जाके देखता हूँ, अपडेट करता हूँ इससे क्या है, क्या दिक्कत नहीं है, बाकी चलते हैं अभी घर, तो मिलते हैं भाई बाद में शाम को। सो गाइस अभी आ गया हूँ भाई मैं इंटरसेप्टर पर, और चलो भाई एजेंसी में अपनी डोमिनर को उठाने के लिए, और देख लो अभी बज रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है, 5 बज रहे हैं, और मेरे ख्याल से सर्विस हो गई होगी, तो तनुज भाई के साथ जा रहा हूँ मैं, मेरे पीछे बैठे हैं तो वहाँ जाके देखते हैं बाइक का क्या हिसाब किताब बना है, सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं कि जो बोला था उनको, बाकी इसका भी कवर करूँगा यार, वो धुरा लग रहा है ना सीट वाला, सीट लग गई है, पर यार प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखाएंगे हम, प्रॉपर इन्हें शूट करेंगे, फिलहाल तो जो लेने जा रहे हैं उसका मैं कवर करूँ बाइक का, कि पहले देखूँ यार हिसाब किताब जाके बाइक होगी या सर्विस की नहीं होगी, क्योंकि रश बड़ा था, ये ना करें कि भाई कल मिलेगी बाइक, थोड़ा मेरा जो मूड है वो ख़राब हो जाएगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। पर यार एक चीज़ है, इंटरसेप्टर ना कंफर्टेबल बड़ा हो गया है, और सीट हाइट है ना वो थोड़ी इंक्रीज़ होगी इस सीट के बाद, जो पैरों की पोजीशन थी ना थोड़ी और कंफर्टेबल सी होगी, जो लेग की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है, नी का जो एंगल है वो हो गया है थोड़ा सा, यानी पूरा 90 नहीं करता, तो 15-20 डिग्री का फर्क होगा, बट अगर मैं पीछे होकर बैठूंगा तो 90 हो जाएगा, फिर ठीक है, और पीछे वाले के लिए ज़्यादा बढ़िया हो गया, कंफर्टेबल हो गया सीट, और बढ़िया भी लग रहा है इस टाइम, तो चलो एजेंसी मिलता हूँ सीधा भाई बाइक लेके। नहीं हुई लो मेरी बाइक वाले वाली सर्विस हो गई है। अच्छा हेलो भाई, कह रहे बाइक तो सर्विस हो गई है पूरी, कहाँ हुई अंकल जी, वॉशिंग तो हुई नहीं इसकी, कहाँ वॉशिंग हुई है, मैं तो देखते ही बोल दिया कि वो हुई नहीं सर्विस अभी तक, हाँ वॉशिंग अच्छा बाहर ले गए, हाँ वैसे साफ तो की है बाइक, बजाओ थोड़ा पानी फिर इसमें, भाई पूछते जाके भैया से सर्विस का, हाँ जी भैया कैसे हो, होगी जो मिसिंग का था वो तो खैर लंबा खींच के पता लगेगा बीच में, अभी तो बाहर कीचड़ ही भरा पड़ा है, बाइक करवा दो साफ, मिट्टी लगी पड़ी है पूरी इसमें बाइक पे पूरी दोबारा से, और जो हेडलाइट का था वो कब तक होगी इसकी, हेडलाइट वाले पानी मार लिया अभी कोई मॉइस्चर नहीं, मॉइस्चर नहीं ऑन नहीं हो रही ना वो छोटी वाली, अच्छा चाबी से ऑन करो ना, देखो लाइट देखो ना ये देखो ऑन ही नहीं हो रही है, पहले ना मार मार के चलती देखो, मंगा दी मैंने हेडलाइट ऑर्डर, ये लिए दिक्कत कर रहा हूँ मैं इसकी लाइट की, और जो ये लॉक ना दोबारा लूज ना हो जाए कहीं, पहले भी लूज टाइट गया था, पहले भी लूज हो गया था, फिर दोबारा टाइट किया था उस टाइम पे, बोल्ट लगा दिए, ठीक है ठीक है, चलो भाई सर्विस हो गई डन, बिलिंग बुलिंग कराते हैं इसकी, फिर निकलते हैं बाइक लेके, देखते हैं कितना खर्चा आया बाइक का, सर्विस कॉस्ट पता 1280 आई है जो बाइक के सर्विस कॉस्ट है, और वो दिखा देता हूँ क्या क्या खर्चा है बाइक का, क्या क्या चीज़ डली है, ये रहा भाई ऑयल फिल्टर हो गया इसका, ठीक है विथ टैक्सेस 79, इंजन ऑयल हो गया इसका,
कम से कम 17-1800 को तो इंजन ऑयल ही है भाई। सर्विस का देखो कॉस्ट, बीच में कॉल आ गई थी इसलिए वीडियो बंद हो गई थी। फिल्टर एलिमेंट हो गया, ऑयल ऑयल तकरीबन 1700 रुपये का है। ये टोटल बिल है भाई 2280, GST लगा लगू के पूरा बिल है 2280 का बाइक का। हो गया गिला ये देखो पूरा, और बस यहाँ से निकल रहा हूँ और देखता हूँ सरज भाई की बाइक की चाबी देखता हूँ, वो भी अंदर बैठे हुए हैं, फिर निकलता हूँ उनके साथ। तो भाई भाई अभी तो निकल गए एजेंसी से, दोबारा साफ पानी भिजवाते हैं। देखो पानी भिजा हुआ, कपड़ा ढंग से नहीं मारा है यार। कहीं ना कहते हैं एजेंसी में काम ढीले होते हैं, ढीले कौन होते हैं यार। जैसे जैसे मैंने एक चीज़ देखी है, बंदे काम करने वाले पुराने रहते हैं ना, उनको ना सच में जंग ही लग जाता है। जंग कैसे लग जाता है, ढीले होते काम करने में। वहाँ से कोई सुरमा निकल के ना है, हाँ धीरे धीरे ढीले होते काम करने में। और वही हाल थे, पानी भिजवा के भाई 3 बार बोला कपड़ा मारने को, फिर अंदर जाके मैनेजर को बोला, मैंने कहा भाई क्या है ये बंदे, फिर जाके करा करे तुम्हें बार-बार बोलना पड़ रहा है सब साफ करने के लिए। तो अभी साफ सुफ कराई, फिर भैंस किया, पूरा गिल्ला हो गया पसीने में। दूसरा है कि बाइक अपना खुल के चल रही, एयर फिल्टर डल गया ना बाइक में, बाइक अब बिल्कुल कहते हैं खुल के सांस मिलती है यार अपना, सिंपल सा है, हमें एकदम खुल के अपना हवा आती है, बढ़िया चली चलते हैं। वैसे अपना मोटरसाइकिल है, मशीन है, इसको अगर सांस ढंग से आएगी, एयर जाएगी प्रॉपर अंदर, तो उतना अच्छा कंबशन होगा, उतना बढ़िया बाइक चलेगी। तो वैसे लग रहा है कि बाइक का पूरा थ्रॉटल एकदम बढ़िया हो गया। जो पिकअप है ना, मुझे खुद फील हो रहा है, जो सवेरे चलाई थी बाइक कुछ और थी, और अभी सर्विस के बाइक भाई बाइक तो भाई बाद में कुछ और ही चल रही है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर तकरीबन 8,000 से 9,000 किलोमीटर बाद इंजन ऑयल चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके राइट जाना है। अब उठिए बाइक गियर शिफ्टिंग में प्रॉपर। ओ भाई ये देखो भाई बाइक, कहते हैं ना डोमिनर में जंप नहीं मिलता, कई लोग बोलते हैं। अब उठ रही है बाइक प्रॉपर, तो अभी चलते हैं कोकी आ रहे हैं। और बस ब्लॉग यही तक था, तो ब्लॉग को मैं बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बाकी बाइक का पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, भाई चला चुके हैं बाइक तकरीबन 9,000+, तो नेक्स्ट ब्लॉग अपना यही रहेगा। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।